Good morning, students. I hope you have done your chapter number 3. So today we are going to start your chapter number 6. Name of chapter is exponent. First of all, open the first page, very first page of your chapter, chapter number 6 is here, exponent. Exponent means 5. Here we have a 5, for example, 3 times and can written in the form of 5 raised to power 3. It is read as a 5 raised to power 3, yeah, 3 power of 5, third power of 5. In 5 raised to power 3, we can call 5 as the base and 3 as the exponent. ठीक है? जो power हो, जब हम किसी number को suppose, एक नंबर है उसको जैसे 5 है, 2 टाइम मल्टीप्लाई मैं इसको लिख सकती हूँ 5 की पावर 2, और ये जो है इस फॉर्म में इक्वेशन में 5 क्या है आपका बेस और 2 क्या है एक्सपोनेंट. जो पावर किसी टर्म की पावर लिखते हैं उसको क्या कहते हैं एक्सपोनेंट. ठीक है, सिमिलरली फर्स्ट एक्सरसाइज इट्स वेरी इजी सो यू कैन डू योर सेल्फ वेरी वेल. That's why I will just solve a first part and the others your homework. First question, find the value 13 raised to power 2. It means आपको power 2 है, exponent 2 दिया है, तो it means 13 कितनी बार open करोगे? 2 times. It means 13 कितनी बार multiply होगा आप इसमें? 2 times. 13 multiply 13 लिखोगे और 13 यहाँ multiply करने पे क्या आता है? 169. Next आप देखो minus 7 raised to power 2. ठीक है, अब क्या है इसके साथ माइनस, सेकंड का फर्स्ट पार्ट है माइनस 7, पावर 2 है, एक्सपोनेंट 2 है, इट मींस ये कितनी बार इसको लिखेंगे हम? 2 टाइम्स, और बीच में साइन क्या पाएंगे? मल्टीप्लाई का, माइनस 7 मल्टीप्लाई माइनस 7, 7 7 या 49, एंड माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करके आ गया प्लस की फॉर्म में आ गया. ठीक है, हमेशा एक बार याद रखना किसी भी की भी पावर, किसी की भी सपोज किसी भी नेगेटिव नंबर की पावर स्केयर है, किसी भी नेगेटिव की पावर इवन है तो उसका आंसर क्या आएगा? पॉजिटिव ही आएगा. एनी नेगेटिव नंबर इफ एक्सपोनेंट इज ऑड देन आंसर विल कम इन नेगेटिव फॉर्मेशन. ठीक है, इसी का यू कैन डू. ओके, नाउ माइनस 3 रेज टू पावर 4, इट मींस पावर क्या है अब? एक्सपोनेंट क्या है? इवन नंबर में. आंसर किस में आएगा? पॉजिटिव फॉर्म में ही आएगा. अब माइनस 5 की क्या पावर क्या है? एक्सपोनेंट हमारे पास ऑड है, इसका मतलब इसको 5 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव फॉर्मेशन में ही आएगा. ठीक है, नेक्स्ट इज थर्ड. जैसे हेयर आई एम गोइंग टू सॉल्व सेकेंड का थर्ड पार्ट, माइनस 5 रेज टू पावर 3, फाइव कितनी बार मल्टीप्लाई होना है आपस में? 5 टाइम. माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5 माइनस 5, अब करो इनको 5 25, 25 को 5 के साथ किया 125. ठीक है, ठीक है, यहाँ तक हमारे पास हो गया 125. 125 को 5 के साथ किया 625 को 5 के साथ किया कितना आ जाएगा? 3125. अब देखो माइनस, वैसे तो आपको करने की ज़रूरत ही नहीं है, आपको मैंने बताया अभी अगर नेगेटिव की पावर इवन है तो आंसर पॉजिटिव, अगर नेगेटिव टर्म की पावर भी ऑड, नेगेटिव टर्म है और उसकी पावर भी क्या ऑड है तो उसका आंसर क्या आएगा? नेगेटिव. यहाँ पे क्या आना था? अब माइनस साइन आना था. अब देखो वैसे माइनस साइन आता कैसे है, देखो माइनस एंड माइनस मल्टीप्लाई करके क्या हो गया? प्लस, प्लस ने माइनस के साथ फिर से माइनस, माइनस इसके साथ माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ क्या हो गया? प्लस, प्लस को माइनस के साथ किया क्या आएगा? माइनस. अदरवाइज लॉजिकली इस तरह से आता है, बट आप अगर सीधा याद रखोगे जस्ट अ ट्रिक कि एनी नेगेटिव नंबर पावर इज ऑड देन आंसर कम इन नेगेटिव फॉर्म, इफ़ पावर इज इवन देन आंसर विल कम अ पॉजिटिव फॉर्म. गॉट इट?
अब देखो 3 × 10^2 पावर 2 है, इट मीन्स 10 × 10 लिखेंगे, 2 टाइम्स लिखेंगे 10 को, और बीच में मल्टीप्लाई का साइन आएगा। अब देखो 3 × 10 क्या होता है, 100, 300, इस तरह से कर लो। चाहे 3 × 10 को, 3 × 10 = 30, 30 × 10 = 300। ये कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपने पहले इसको सॉल्व करना है तो फिर इसके साथ, आप चाहे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो फिर इनसे कर लो, चाहे जिस तरह से मर्जी मल्टीप्लिकेशन कर लो। अब आगे देखो 3² × 10^4, इट मीन 3 को 2 टाइम्स खोलेंगे और 10 को 4 टाइम्स ओपन करेंगे। ठीक है, तो 3 after opening it, नाउ 3 × 3 = 9, 10 × 10 = 100, 100 × 1000 = 1000, 10 × 10 = 10,000, एंड 9 × 10,000 क्या आ जाएगा हमारे पास, हेयर विल कम अ 90,000 आंसर। गॉट इट? नाउ हेयर 5th first part, −2 × −3^3। अब देखो मैंने खोल दिया, पावर्स ओपन कर दिए, अब मल्टीप्लाई करूँगी, −2 × −3, 2 × 3 = 6, और माइनस माइनस प्लस हो गए, −3 × −3, 6 × 3 = 18, मैं क्या आएगा ये प्लस से माइनस, 18 × −3। अब 18 × 3 क्या आ जाएगा, 54, एंड माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और अगर आप इस तरह से नहीं भी करते, ठीक है, आप अपने तरीके से भी करते हो, −3 × −3 × −3, ये मल्टीप्लाई करने पे क्या आएगा, 6 माइनस माइनस प्लस, 3 × 3 ये मल्टीप्लाई, 3 × 3 = 9 माइनस माइनस प्लस, 9 × 6 = 54। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन आपने आपको जैसे करनी है करो, बट आपने ये बात जरूर याद रखनी है कि जब दो माइनस साइन मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस एंड माइनस किस में कन्वर्ट हो जाता है, प्लस में। ये चीज़ें आपने याद रखनी है, ये याद रखने को बोल रही हूँ, लिखना ज़रूरी नहीं है। सपोज माइनस के दो साइन है, बीच में मल्टीप्लीकेशन है, तो क्या हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट। एक माइनस का है एक प्लस का है तो भी क्या होगा, माइनस, चाहे पहले प्लस का है बाद में माइनस का है, इन बिटवीन साइन इज मल्टीप्लीकेशन, तो उसका आंसर किस में कन्वर्ट होगा, माइनस फॉर्म में। ठीक है, अब फ्रैक्शन में है, इट मीन्स फ्रैक्शन की पी ओवर क्यू की पावर 2 लिखी है, इट मीन्स न्यूमिनेटर भी 2 टाइम मल्टीप्लाई होगा, डिनोमिनेटर भी 2 टाइम, हमको पावर 2 है तो क्या आएगा, 3 × 3 / 4 × 4, क्या आ गया, 3 × 3 = 9, 4 × 4 = 16। अब सिमिलरली इसको ऊपर क्या है हमारे पास, 2 − 2 − 2 और पावर कितनी है, 2, इट मीन्स इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा आपस में, ओवर में क्या है, 3 × 3। अब देखो नेगेटिव है और पावर क्या है, ईवन, इट मीन्स आंसर किस में आएगा, पॉजिटिव फॉर्म में, 2 × 2 = 4, 9 × 3 = 9, माइनस एंड माइनस प्लस। 7th में उन्होंने कहा है फाइंड आउट करो इनमें से विच वन टर्म इज़ अ एक्सपोनेंशियल टर्म इज़ अ ग्रेटर। ठीक है, कौन सी टर्म जो है वो ग्रेटर है, एक्सपोनेंट, ये जो टर्म्स है एक्सपोनेंशियल, जब किसी टर्म को, सपोज हेयर वी हैव अ 7 × 7, देन क्वेश्चन इज दिस, कन्वर्ट दिस वन एक्सप्रेशन इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म, 7 कितनी बार आ रहा है, 2 टाइम है, इट मीन्स जब हम क्यों 7^2 लिख देंगे इसकी जगह पे, इट मीन्स 7^2 इज़ अ एक्सपोनेंशियल फॉर्म ऑफ 7 × 7। ठीक है, जब किसी टर्म के ऊपर पावर लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल टर्म हो जाएगी। अब इसको 2 को कितनी बार करना है, 5 टाइम, 2 × 2 = 4, 4 × 2 = 8, 2 × 16 = 16, 2 × 32, और 5 × 5 = 25। अब कौन सा बड़ा है, 32 बड़ा है, इट मीन्स 2^5 इज ग्रेटर देन 5^2। सिमिलरली आपने बाकी की जो है वो सॉल्व कर लिए, एंड योर होमवर्क 1 to 7 सम, ओके, ऑल पार्ट यू विल सॉल्व। ठीक है, एंड वन थिंग इज मोर, इफ इन द चैप्टर नंबर 3 एनी प्रॉब्लम इज देयर इन द कैलकुलेशन देन यू कैन आस्क, ओके, यू कैन व्हाट्सएप मी एंड यू कैन आस्क अबाउट एनी क्वेश्चन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।